डॉट क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है आप सभी का। आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में कि किचन टॉवल हम पुराने सूट से किस प्रकार बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किचन टॉवल बनाने के लिए हमें पुराने सूट का जो नीचे का जो घेर होता है, घेर वाला जो कपड़ा होता है, उस कपड़े से हमें बनाने होते हैं। उस कपड़े को हमें स्क्वायर शेप में काटना होता है। वो लेंथ वाइज आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आपको कितनी लेंथ में चाहिए किचन टॉवल, और उसे हम स्क्वायर शेप में बराबर सीजर से काट देंगे। काटने के बाद उसका उसको चारों तरफ से मशीन से सिलाई करके तैयार कर सकते हैं। मेरे पास कुछ बने हुए किचन टॉवल है, वो भी पुराने सूट से, मैं आपको वो शो कराती हूँ। ये देखिए मेरे पास, ये मेरा पुराना सूट है जिसमें ये नीचे बॉर्डर थी। मैंने इस बॉर्डर पार्ट को लिया है नीचे, और ये मुझे इतनी लेंथ चाहिए थी, और मैंने इसको इस तरह स्क्वायर शेप में काटा है। और आप सिलाई देख सकते हो, मैंने इस प्रकार इस पे चारों तरफ मशीन से सिलाई कर की हुई है, ये देखिए। तो इस प्रकार मैंने ये अपना किचन टॉवल तैयार किया है। इसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसकी मैंने बहुत ज्यादा लेंथ रखी है, और ये सिंपल सूट से बना हुआ है। और इसके बाद ये देखिए सिंथेटिक कपड़े में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हाथ बिल्कुल आर पार दिख रहा है। मैं अपने किचन में इसको पनीर छानने में यूज लेती हूँ। तो आप भी इस प्रकार पुराने कपड़ों से अपने किचन के टॉवल तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपके यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।